अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप फॉलो कर रहे हैं? मैंने कहा आपको मिल ही नहीं, 15 पे कॉल करें। ये मुसलसल हमें 20 मिनट से चेज कर रहे हैं, क्या मकसद था? कोई नहीं, आप उस पटवार खाने से हमें चेज कर रहे हैं। नाज़रीन ये देखें, ये हमने दोबारा गाड़ी रोकी है, ये दोबारा पीछे को मुड़ गए, और वो देखें, वो देख रहा है, देख रहा है, आएगा, वापस आएगा, 100% वापस आएगा। वो देखें, ये देखें, ये देखें नाज़रीन, ये देखें, अब पता नहीं किस मकसद से ये हमें चेज कर रहे हैं, और वल्लाह आलम इनके क्या मकासद हैं, और इन्हें नहीं पता कि हम इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाकायदा ये लोग हमें पहले पटवार खाने से फॉलो कर रहे हैं, और वो आप जो मनाजिर हैं फोटेज है वो देख रहे होंगे, विंडो में चल रही होगी, और ये पता नहीं अब किस मकसद से फॉलो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आप फॉलो कर रहे हैं? मैंने कहा आपको मिल ही नहीं, क्यों फॉलो कर रहे हैं आप भाई? मैं पिस्टल शिस्टल लगाया हुआ है, ले जरा देखें इनको, 15 पे कॉल करें, पीछे से पीछे कॉल करो यार, इनकी बाइक का पीछे नंबर भी नहीं है, और ये मुसलसल हमें 20 मिनट से चेज कर रहे हैं, क्या मकसद था? कोई नहीं, आप उस पटवार खाने से हमें चेज कर रहे हैं? नहीं, देख के आए हैं, देख के सिर्फ ऐसा बनवा, नहीं आप इस तरह पीछे आते हैं, चेज कर रहे हैं आप? हम स्लो कर रहे हैं, आप स्लो हो जाते हैं, हम जहाँ पे रुक रहे हैं आप पीछे जा रहे हैं, आपकी सारी फोटेज बनी हुई है, क्या काम करते हैं आप? मैं कहना क्या काम करते हैं? मैं कहना ठीक है, आप फॉलो क्यों कर रहे थे? मैं की कर रहे थे, आप देखने आए हैं ना, आप साथ आए, आप बताएं हम आपके साथ आ रहे हैं, हम जहाँ रुक रहे हैं आप वहाँ पे मशकूक करके कर रहे हैं, आप पिछले होटल पे रुके हैं, होटल पे रुके हैं आप लोग, आप होटल पे रुके हैं, ये कौन सा देखने का तरीका? आप पिस्टल लगा के हमें देखने आए हो, आप क्यों फॉलो कर रहे हैं? गाड़ी नंबर चेक भैया, आप फॉलो क्यों कर रहे हैं? आपकी पिछली नंबर प्लेट नहीं है, आपकी पिछली नंबर प्लेट नहीं है, पिछली नंबर प्लेट क्या है? पिछली नंबर प्लेट क्या है? नंबर प्लेट दिखाई, हमने गाड़ी रोकी है, इन्होंने हमें पास किया है, और साथ ही होटल पे रुक गए, हमने कहा यार नंबर प्लेट नहीं है, हमने 15 पे कॉल इसलिए चलाई कि यार हमने छापा मारा है, को अल्लाह रहम करे को बंदा पिस्टल लगा के पीछे ना आ रहा हो, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे एक कॉल चली है, सब पटवार खाने बंद हैं, और पूरे कसूर के मसले हल हो गए, क्यों कर रहे हैं? भाई मैं कह रहा हूँ कि हम जहाँ रुक रहे हैं आप वहाँ पे ऐसे प्रटेंड कर रहे हैं कि आप हमारे पीछे नहीं है, भाई क्या मकसद था? मकसद क्या? आप हमारे साथ आके हमें कहेंगे आपके साथ जाना चाह रहे हैं? देख लेना, ये गलत बात कर रहे हैं, ये अब आप जो है कहानी बना रहे हैं। नाज़रीन आपको गाड़ी के अंदर लिंक दिया था कि पूरा जेम्स बॉन्ड वाला सीन हो रहा था, कि भाईजान फॉलो कर रहे हैं, और जो हमारे मुखबर थे उन्होंने हमें बताया कि ये दो बंदे हमें वहाँ से जो है फॉलो कर रहे हैं। हमने कहा हो सकता है कि हमारा ही कोई काम ख्याली हो सकता है, कोई गलत फहमी हो, हमने इनको 3-4 बार डॉज देके चेक किया, कभी हम रुक जाते थे, कभी इन्हें आगे आने का मौका देते थे, कभी हम रुकते थे ब्रेक लगा के वापस मुड़ जाते थे, और पूरा ऐसे नेचुरल प्रिटेंड कर रहे थे कि पता नहीं क्या मामला हुआ। हमने आपको यार बड़ा डरते खो खाते हुए पकड़ा कि यार को पिस्टल से कोई गोली चोली ना मार दे, पिस्टल देख ले यार, आप क्यों फॉलो कर रहे थे? क्या जरूरत थी फॉलो करने की? आप हमें वहाँ गए, हम आपके साथ मिलते बैठते बात करते, क्या काम करते हैं आप? पटवारी हैं, मुंशी हैं, तो फिर आप क्यों आ रहे पिछले प्रोग्राम देखने वास्ते? सर प्रोग्राम आप हमें मिले, प्यार से बात करें, आप मशकू करके कह रहे हैं, वो 8 बंदों की जान आपने खतरे में डाल दी, हमने कहा पता नहीं कौन आ रहा है पीछे, जानती है तो भाई सॉरी, ठीक है, बाकी मशकूक वाला काम तो पता लग गया सर, आपको किस तरह से पकड़ा? तानू सिर्फ आपको किस तरह से पकड़ा? पता लग गया है, लेकिन आप बार बार क्यों रुक रहे थे? तानू देखने वास्ते यार, आप हमें वहां के पटवारी ने भेजा, मुझे लगता है आपको पटवारी ने भेजा, आप उस पटवार खाने में देना, मैं कहना कोई कसम खा के आप उस पटवार खाने में देना, मैंने आपको देखा वहाँ पे, तो आप उसके बाद हमें लाहौर तक फॉलो करते? नहीं, आप उधर मिल लेते, आप उधर मिल लेते प्रोग्राम, सर आप उधर मिल लेते प्रोग्राम की वजह से, सर आप हमें वहाँ मिल लेते ना यार, हम यहाँ पे जिहाद करने आए हैं, 12 बंदे साथ हैं, ये पहले बार नहीं हुआ, मैं देखना चाह रहा लोग करते मैं बड़ा सर, आप सर आपकी मोहब्बत सर आंखों पे, लेकिन आपने ये किया क्या? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उससे मैं सर आपने ये किया क्या? आपने तो हमें डरा दिया, ने 3-4 जगह इन्हें चेक किया, हमें लगा कि यार कोई बंदा जो है रैकी कर रहा है, वो बाकायदा फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर तो ये कोई प्यार मोहब्बत वाला मामला था, हमें वहाँ रोकते, हमें मिलते, हम इनसे जरूर मिलते, ये वहाँ पे हमें वहाँ पे मैंने इन्हें देखा है बाकायदा, इनका फेस मेरे अभी भी माइंड में रजिस्टर्ड है, और हमें हमारे मुखबर ने कहा कि भाई आपकी तो रैकी हो रही है, पीछे वो आपको बंदे फॉलो कर रहे हैं। नाज़रीन अब आपको वो दूसरा पटवार खाना भी दिखाते हैं जो आज ही कार्रवाई का हिस्सा था, और सिर्फ इन चंद अनासिर की वजह से जिन्होंने एक तो मुखबरी कर दी और ये पूरा फॉलो कर रहे थे, वल्लाह आलम उनके क्या मकासद थे, उन्होंने कहा जी हम आपको देखते हैं,
और कोई मोहब्बत का अंदाज था, आपको देखना चाह रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतने मशकूक अंदाज से क्यों मिल रहे थे। आज पूरे कसूर के मसले हल हो गए हैं, सारे पटवारी आज छुट्टी पे हैं, एसी साहब आज छुट्टी पे हैं सारे, जुमेरात का दिन है टाइम बताएं। और ये इस टाइम तकरीबन 2 बज रहे हैं, 2 या 1.5 बज रहे हैं, 1.5 या 2 के दरमियान का टाइम है, पीक टाइम है, और सारे कसूर के पटवार खाने बंद हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपने ग्रुपों में मैसेज चला दिया है कि भाईजान लाहौर पूछता है टीम आ गई है, और जो जो हरामखोरी करता है तो यहाँ से फरार हो जाए। ये नाज़रीन आज सारे कसूर के तमाम मामला जो हैं ठीक हो गए हैं, आज से पूरे दिन के लिए तमाम पटवार खाने बंद हो गए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि लाहौर पूछता टीम आई है और आज इनकी हरामखोरी पकड़ी जाएगी। तमाम अभी ये दूसरा स्पॉट था जहाँ पे हमने कार्रवाई करनी थी, आगे भी चलते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पे मतला करते चलूँ कि मुझे उम्मीद है कि आज के दिन के लिए तमाम कसूर के पटवार खाने बंद हो गए होंगे, और अभी सिर्फ 1.5 बजे हैं और ये पीक आ रहे हैं। एसी साहब आपने इस चीज़ को देखना है, रिजवानुल हक साहब ये आपकी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, 4-4, 5-5 मुंशी रखे हैं लोगों की खाल उधेड़ के उसकी जूतियाँ बनाने के लिए, और इनके लहजे देख लें, ये फिरौन बने हुए हैं। नाज़रीन हमारी इत्तला के मुताबिक शहबाज पटवारी को इस वक्त पटवार खाने में मौजूद होना चाहिए था क्योंकि इस वक्त दोपहर के 1.5 बज रहा है और ये किसी भी पटवार खाने का पीक का टाइम होता है, पीक आवर्स होते हैं। लेकिन आपको पता है कि हम पहले कार्रवाई कर चुके हैं, उसकी वजह से इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसमें ये मैसेज डाल देते हैं कि लाहौर पूछता है टीम आई हुई है और सब एहतियात करें। अब शहबाज जो पटवारी है उसको जैसे ही हमारे आने की इत्तला मिली तो वो फौरी तौर पर पटवार खाना बंद करके यहाँ से फरार हो गया, लेकिन हमारा जो मुखबर है उसने हमें बताया है कि वो सामने रोड पे खड़ी जो बच्चों की वैन है, स्कूल वैन है, उसमें छुपा हुआ है और उस स्कूल वैन में तमाम जो हैं छोटे बच्चे मौजूद हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म में है और छुट्टी का वक्त है, अपने घर जा रहे हैं। इसने एक तो ड्राइवर को रोका हुआ है और साथ बच्चों को भी डरा रहा है कि आपने मेरे आगे ढाल बन के खड़ा होना है और किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ पे छुपा हूँ। आइए इसको देखते हैं कि क्या वाकई शहबाज पटवारी जो है ये वैन में मौजूद रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि हम पहले कार्रवाई कर चुके हैं, उसकी वजह से इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसमें ये मैसेज डाल देते हैं कि लाहौर पूछता है टीम आई हुई है और सब एहतियात करें। अब शहबाज जो पटवारी है उसको जैसे ही हमारे आने की इत्तला मिली तो वो फौरी तौर पर पटवार खाना बंद करके यहाँ से फरार हो गया, लेकिन हमारा जो मुखबर है उसने हमें बताया है कि वो सामने रोड पे खड़ी जो बच्चों की वैन है, स्कूल वैन है, उसमें छुपा हुआ है और उस स्कूल वैन में तमाम जो हैं छोटे बच्चे मौजूद हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म में है और छुट्टी का वक्त है, अपने घर जा रहे हैं। इसने एक तो ड्राइवर को रोका हुआ है और साथ बच्चों को भी डरा रहा है कि आपने मेरे आगे ढाल बन के खड़ा होना है और किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ पे छुपा हूँ। आइए इसको देखते हैं कि क्या वाकई शहबाज पटवारी जो है ये वैन में मौजूद है।